पर प्रभु मान जाते हैं। का जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में प्रभु श्री राम का, उसके उपलक्ष्य में हमने हमारे रहिवासी हनुमान आशा नगर रहिवासी संघ की तरफ से और पश्चिम सागर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से एक छोटा सा यहाँ पर प्रभु श्री राम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पर कव्वाली हो रही है, भगवान के सारे गीत गाए जा रहे हैं और पूरे एरिया को हमने पूरा भगवा कर दिया है प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में। और सारे घरों में, सारे मंदिरों में, सारे मतलब एरिया में दीपोत्सव का महोत्सव हमने रख दिया है। सारे घर में सब लोग दीपोत्सव करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन का खुशियां मना रहे हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म का पुनर्वासन हो चुका है प्रभु श्री राम के आगमन से। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे संसार का कल्याण करे और हर दुखों से, हर पाप से सबका विनाश करे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। स्थान में खुशी का माहौल है। आज प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है और 500 साल जो प्रभु श्री रामचंद्र जी टेंट में थे, आज अपने घर में आए, हमको बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आणि पूर्ण देशाचा दिवस खुशीचा आहे आणि आजचा दिवस जो आज आहे ना तो इतका आनंदीचा आहे ना भरपूर। आणि आज 500 वर्षापूर्वी जे वनवासामध्ये राम जी गेलेले होते ते आज त्यांच्या स्थानामध्ये आले, म्हणून आज सगळ्या देशाला आनंद झालेला आहे आणि भरपूरच आनंद, त्यांचा बर्थडे दिवस आहे आज, म्हणून जय श्रीराम, जय श्रीराम। इथे कशा प्रकारे सेलिब्रेट करतात? एकदम इथे जे आपले अध्यक्ष आहे, आपले कार्यकर्ते आहेत, जे काय ज्यांच्या पद्धतीने ते का निर्णय घेतात आणि एक विचाराने त्यांचे कामं असतात आणि त्या विचारामुळे त्यांचे कामं बरोबर करतात ना, तर ते नियोजन पण आपल्याला चांगलं आवडतो। जी मेरा नाम है राम कृपाल शर्मा, मैं छोटा मोटा प्रोग्राम करता हूँ। जय श्री राम सत्संग मंडल से हूँ मैं, घाटकोपर से। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, जैसा कि आज जब अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरी दुनिया राममय हो रही है, राममय हो रही है, उसी में हम भी मस्त हैं एकदम। राम जी के उसमें कुछ धुन सुनाना चाहेंगे क्या? खुशी जी बिल्कुल चल रहा है, हम सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। तो वही सुना देते मोरी तुमसे सौ सवार